हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक मै एग्जाम। मैं दिनेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हमने जो बात करनी है वो करनी है रेलवे की। कुछ लोग कंप्यूटर की बात ना करें, अभी आज अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेलवे एग्जामिनेशन की। और उसमें भी जो हमारा एक पार्ट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एंड दैट इज जनरल साइंस। और उसमें भी अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, फिजिक्स की। और फिजिक्स में मैंने आपको एक लास्ट जो आपका क्लास लिया था दोस्तों, वो किसके ऊपर बेस्ड था? वो हमारा टोटली बेस्ड था कहीं ना कहीं उन चीज़ों के ऊपर जो चीज़ें हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, ठीक है। वो किसी ने बनाई, उन चीज़ों पे बेस्ड था। मतलब जितने भी साइंटिस्ट से हमने उनकी बात की थी, और वो पेपर में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज हमने जो बात करनी है, आज हमने बात करनी है, ये भी पेपर में एक से दो या तीन नंबर का क्वेश्चन, दो तो नंबर मानो ही मानो, एक या दो नंबर का क्वेश्चन जो है ये भी आता ही आता है एग्जाम में, कि कुछ उपकरण आपको देगा, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और पूछा जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जितने भी लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम एक बार रूबरू हो जाते हैं। आई थिंक सो, नहीं, क्लास थोड़ा सा लेट हुई, ओ जी, तो अभी हम दोबारा से आपके सामने हाजिर हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व किया गया। चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जितने लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हम आगे अपनी क्लास को अभी कंटिन्यू करें। और जितने लोगों को अभी क्लास का वेट था वो हमारे साथ आके जुड़ जाए, ठीक है। तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। और आज हमने टॉपिक जो, जैसे कि हमने बात की है, वो हमारा जो टॉपिक है क्या है, कि इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनका यूजेस क्या है, ठीक है। जनरल लाइफ में हम डेली रूटीन में भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे देखते हैं और उनके यूजेस हमें पता नहीं होते, तो पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो किस लिए यूज किया जाता है। या फिर उल्टा भी पूछ लिया जाता है कि यार ये जो काम है वो किस इंस्ट्रूमेंट, किस उपकरण के थ्रू होगा। तो ये चीजें मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने वाला हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग, कुछ लोग हिंदी वाले और कुछ लोग इंग्लिश वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो दोनों का ध्यान रखते हुए आज ये क्लास की गई है। तो चलिए, टेक्निकल टीम से दरख्वास्त है हमारी कि आज हमें आज का पहला स्लाइड दिखाया जाए और बच्चों से बात करेंगे जितने भी हमारे साथ अभी जुड़े हैं। बिल्कुल, स्टेथोस्कोप जो हमारा है, आपने जनरली इस डिवाइस को देखा होगा, इस इंस्ट्रूमेंट्स को देखा होगा। जैसे ही आप जब आप जाते हो कहीं ना कहीं, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास जाते हो, तो नॉर्मली जो डॉक्टर और नर्स होते हैं उनके गले में आपने ये देखा होगा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है। और तो देखो, आप बेसिकली इसका यूज क्या है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं इंग्लिश वाले को, सिंपल, लिसनिंग टू इंटरनल साउंड ऑफ एनिमल और ह्यूमन बॉडी। इंटरनल साउंड के लिए इसका यूज किया जाता है। आप नॉर्मली इसको याद रखने का जो ट्रिक है वो ये है, आप ऐसे याद रखो कि यार ये जो है ना, दिल की धड़कन के सुनने के लिए यूज किया जाता है। हर दिन की धड़कन को सुना जाता है कहीं ना कहीं स्टेथोस्कोप के थ्रू, ठीक है। तो बिल्कुल, चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और अमित जी, हमने वो बता दी है, अभी डिस्कस नहीं करेंगे उस चीज को। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि कौन सा डिवाइस। आप सिंपल इसको याद रख लो, दिल की धड़कन, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल की बातें आप बहुत ज्यादा करते हो, तो आप ये डायरेक्ट याद रख सकते हो कि भैया दिल की धड़कन अगर सुन लिया तो स्टेथोस्कोप आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं पॉलीग्राफ की। देखो, पॉलीग्राफ एक ये ऐसा, बेसिकली हम क्या कह रहे थे यार, हम कहते ना झूठ पकड़ने वाला यंत्र, झूठ का पता लगाने वाला, ये बेसिकली यूज किया जाता है जब कोई क्रिमिनल होता है और वो हमें देखना होता है, जब उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, मतलब क्वेश्चन आंसरिंग सेशन जो होता है, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। यहां से ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है, कि मतलब हम देखते हैं जब बंदा झूठ बोल रहा होता है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कैच की जाती है और वहां से पता लगाया जा सकता है कि ये बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। बिल्कुल हाँ, हार्ट बीट के लिए यूज होता है। हरकिरण जी बिल्कुल सही कह रही है। चलिए, हेलो हेलो टू ऑल, एक बार फिर से स्वागत है सबका मेक माई एग्जाम में। प्लीज शेयर कर दीजिए जरूर, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिनका हमने जिक्र करना है अभी। तो पॉलीग्राफ की हमने बात की। कुछ लोग कहते ना यार, हम कहते ना यार झूठ वो बोलता है, तो आप सीधा बोलो यार पॉलीग्राफ टेस्ट, हम कहते ना पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए इसका, तो झूठ पता लगाने वाला यंत्र। और झूठ और सच, ये दो वर्ड बहुत घूमते हैं हमारे पास। देखो, पॉली का मतलब क्या होता है, आप इसको ट्रिक याद करो, पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी मैनी पॉली, ठीक है ना। अब पॉली जब हम बात कर रहे हैं कि यार बेसिकली होगा क्या, एक ही चीज अलग अलग, जब आप एक झूठ बोलते हो ना तो बहुत सारी चीजें झूठ बोलते चले जाते हो, बोलते चले जाते हो, एक ही चीज की बहुत सारी फॉर्म बना दोगे, एक ही चीज की बहुत सारी फॉर्म बना दोगे, तो वहां पर इसको याद रख सकते हो, झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तो पॉलीग्राफ मतलब झूठ पता लगाने वाला यंत्र होता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है दोस्तों,
बिल्कुल, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और टेक्निकल टीम जरा नेक्स्ट स्लाइड दिखाई जाए। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए अब ये वर्ड आपने सुना होगा सोनार। देखो सोनार बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म पेपर में याद आने वाली है, पेपर में फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि सोनार की फुल फॉर्म बताइए। तो बेसिकली ओरिजिनली जो है इसका फुल फॉर्म जो बैठता है वो क्या बैठता है, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। तो कहीं ना कहीं आप ये याद रखना है कि ये बेसिकली क्या है, सोनार किस लिए यूज है। तो समुद्र के अंदर जो छिपी हुई वस्तु है उनका पता लगाने के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है। और खासकर सबसे ज्यादा कहां यूज होता है, ये जो हमारी सबमरीन होती है उसके नेविगेशन में यूज होता है कि वो टकरा ना जाए कहीं ना कहीं। तो अगर कोई चीज हमारे सामने से आ रही है तो हमें पता लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, तो उस चीज की डायरेक्शंस के लिए भी इसका हम यूज करते हैं। तो साफ साफ इसको याद रख सकते हो, सोनार सहसे, सोनार सहसे समुद्र। तो समुद्र के अंदर अगर चलना है तो सोनार को लेके चलिए ताकि आप नेविगेट कर सको, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि समुद्र में सड़क तो बनी नहीं होती, तो आपने इन चीज इसके लिए सोनार का यूज करना होता है, ठीक है। बिल्कुल अनिल जी ने बिल्कुल सही बोला है, ब्रजेश जी चलिए ये हम नहीं बोलेंगे ब्रजेश जी, ये आपका इंटरनल मैटर है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। लेट थोड़ा सा हो गया रीचा त्रिपाठी जी, कोई इशू नहीं है। अभी हम आए हैं, दो ही यूज हम यूज किया, अब बाद में आप देख सकते हो कि हमने अभी कौन कौन से डिवाइस का बताया है आपको। चलिए नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। तो समुद्र में चलना है तो सोनार लेके चलना है, क्योंकि रास्ता सोनार ही बताएगा आपको। तो नेविगेशन सबमरीन नेविगेशन के लिए यूज़ है, तो आप डायरेक्ट ट्रिक याद कर सकते हो सबमरीन के लिए सोनार का। एनोमीटर, अब देखो एनोमीटर बेसिकली अगर आपको इसका हिंदी का मीनिंग पता हो ना दोस्तों, तो आप इसको ऑटोमेटिकली याद कर सकते हो भाई, क्योंकि नाम क्या है, पवन मापी, ठीक है ना। तो पवन मापी की जब बात करते हैं हम, पवन मापी का मतलब क्या होता है, पवन मतलब हवा है ना, तो पवन की बात हुई है तो हवा की बात होगी, और जब हवा की बात होगी तो हवा को क्या बोलते हो, वायु भी बोलते हो। तो वायु की गति नापने में इसका यूज होता है एनोमीटर, जो होता है बेसिकली इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है। हवा जो है उसकी कितनी स्पीड है, हम कहते हैं ना तूफान कितनी स्पीड से आ रहा है, तो वो सब चीजों के लिए जो यूज हो रहा है वो किसका यूज हो रहा है, पवन मापी का यूज हो रहा है। तो पवन मापी जो है आपने ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अनिल जी ने बिल्कुल सही बोला है, स्पीडोमीटर फॉर एयर। स्पीडोमीटर अलग होता है दोस्त, अभी हम बताएंगे स्पीडोमीटर का आपको, स्पीड मीटर फॉर एयर, हाँ ये आप बोल सकते हो, बिल्कुल सही है। वाइंड को मेजर करना, बिल्कुल सही बात है, ऋचा जी ने बोला है अभी। चलिए सर बफर हो रहा है, आप एक बार टेक्निकल थोड़ा रिफ्रेश करके देख लीजिए, हो सकता है आपके यहाँ से कोई इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ से मेरे सामने तो बिल्कुल प्रॉपर यूट्यूब जो है वो चल रहा है और मैं देख पा रहा हूँ कि प्रॉपर जो है वो बफरिंग हो रही है। अब ये बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है भाई, क्योंकि यहां से आप बहुत कंफ्यूज होते हो, क्योंकि ये तीन नाम है आपने सुना होगा, हाइड्रोमीटर हाइग्रोमीटर या हाइड्रोफोन, तो ये तीन जो है ना, हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रो, तो ये कंफ्यूज करते हैं कि यार कौन किस लिए यूज होता है। तो ये आपने दोस्तों ध्यान रखना है, मैं इन तीनों को आपको बताता हूं अलग अलग, और मैं देखो फिगर साथ में लेके आऊं, यहां से आप अपनी पहचान करें कि फिगर क्या है, ठीक है। चलिए एवरीग्रीन जी, संभव सर की क्लास मेरे ख्याल में 3 बजे होगी आज, तो वो आप 3 बजे क्लास लगा सकते हैं। और कंप्यूटर क्लास जो है कमल कांत जी कल होगी, तो कल आपने ध्यान रखना है, कल कंप्यूटर जो सीपीटी क्लास है, कल की क्लास में हमने दोस्तों डिस्कस करना है जो प्रीवियस ईयर्स में सीपीटी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो मैं आपके सामने पेपर लेके आऊंगा और उसका डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट रहें कल की लाइव क्लास में। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली है, देखो हाइड्रोमीटर भी बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रो, हाइड्रो की बात हुई है, जब हाइड्रो की बात हुई है तो जल, जल मतलब पानी, पानी की बात हुई है तो कहीं ना कहीं बेसिकली ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, तो जल का घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज होता है। फिगर में आप देख सकते हो हाइड्रोमीटर को, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर आपने याद रखना है, जल के घनत्व को नापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज होता है, हाइड्रो से आप याद रखते हो। देखो मीटर का मतलब ही मापना है, तो मीटर से, तो इनको अगर आप कंबाइन वर्ड को तोड़ लोगे ना, मतलब जिसे आपने किसी ने संधि विच्छेद पढ़ी होगी विद्या प्लस आलय, तो वहां पर ऐसा कुछ आप इसको खुद भी तोड़ सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। सर यू आर टेलिंग जीईओ ना, जीईओ ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं ऋचा, नहीं नो, अगर आप ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी नहीं ऋचा जी, हम बात कर रहे हैं फिजिक्स, क्योंकि साइंस का पोर्शन बिल्कुल सेपरेट आना है, रेलवे में जनरल अवेयरनेस अलग है और जनरल साइंस अलग है, ये दो पोर्शन है, अलग हैं जो दोनों बिल्कुल, और इन दोनों का रेशो बाकी दोनों के बराबर है,
तो जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस को पढ़ते रहिए, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन बहुत आते हैं, केमिस्ट्री के मैंने काफी देखे हैं, फिजिक्स के भी हैं, तो ध्यान रखना है आपने, ये ध्यान रखने हैं बिल्कुल। ट्रिक फॉर हाइड्रो, हाइड्रो हाइड्रो देखो हाइड्रो और मीटर, हाइड्रो हम कहते हैं यार हाइड्रोजन, आपने सुना H2O, सुना H2O, H2O का मतलब क्या है भाई, पानी का होता है ना, तो कहीं ना कहीं आप हाइड्रो, हाइड्रोजन आया, एच आया, एच से H2O से लिंक कर दीजिए, तो जल का घनत्व नापने के लिए हाइड्रो का यूज होगा, आपने ये ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो राजा जी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जब जल की बात हुई है तो जल से हम केमिस्ट्री में पहुंच जाते हैं और H2O को हम नहीं भूल सकते, तो हाइड्रो H2O ये आप मैच कर लीजिए, कहीं ना कहीं याद रहेगा आपको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप कॉमर्स से हैं तो आप कोई बात नहीं, आप ये पढ़िए। आज हाइग्रोमीटर की बात हुई तो मेरे एक दोस्त ने अभी बताया था हाइग्रोमीटर के बारे में, ब्रिजेश पटेल जी हमारे हैं, और उनका बिल्कुल सही आंसर आया था मेरे दोस्त ब्रिजेश जी, तो आपका जो आंसर था बिल्कुल सही था, क्योंकि आजकल देखो अब आ गई है गर्मी, तो कहीं ना कहीं ये चीज हम बहुत फील करेंगे कि यार ह्यूमिडिटी बढ़ रही है या घट रही है, तो जब ह्यूमिडिटी की बात आती है तो किसका, देखो इसका नाम ही क्या, आर्द्रता, आर्द्रता मापी जो बोलते हैं ना, आर्द्रता, आर्द्रता मतलब क्या होता है, हम कह रहे हैं भाई हाइग्रोमीटर, तो ह्यूमिडिटी की बात हो रही है, जो हमारी बेसिकली क्या है ह्यूमिडिटी इन एयर जो है उसको मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है, तो बिल्कुल ब्रिजेश ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए प्लीज टेक्निकल टीम, बिल्कुल। अब देखो मैंने आपको पहले हाइड्रोमीटर अलग था, हाइग्रो अलग था, अब यहां पर हाइड्रोफोन आ गया, तो ये तीन एक जैसे होते हैं कहीं ना कहीं। जब बात करते हैं हम हाइड्रोफोन की, तो पानी के नीचे जो ध्वनि रिकॉर्ड की जाती है उसके लिए बेसिकली इसका यूज होता है, और हाइड्रोफोन देखो यहां पर भी हाइड्रो की बात आई है और वहां पर भी हाइड्रो की बात थी, और मैंने आपको बोला था हाइड्रो से मतलब पानी, तो मतलब आप H2O याद रख लो, जब H2O की बात होती है तो कहीं ना कहीं पानी की बात हमारे सामने आती है, तो आप डायरेक्टली इसको याद कर सकते हो बिल्कुल। जब हम पानी की ध्वनि, ये भी बेसिकली आप कहां यूज करोगे, सबसे ज्यादा इसका भी यूज आप जैसे आप सबमरीन में जा रहे हो तो वहां पर भी इसका साउंड में जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसके लिए, कोई भी कोई अगर कोई हलचल पैदा होती है तो उसको पता लगाने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए इस उपकरण का यूज किया जाता है, साउंड इन वाटर, बिल्कुल सही बोला है ब्रिजेश पटेल जी। नहीं नाश्ता हो चुका है टेक्निकल टीम का, आई थिंक सो अब तो जो है वो लंच में लगे हैं। चलिए अभी बिल्कुल बड़ी कंफ्यूजन होती है ऋचा जी, हाइड्रो है, बड़ी कंफ्यूजन है, देखो हाइड्रोफोन और मैंने एक और पहले बताया आपको, देखो हाइड्रो से जब नाम फोन की बात आई है तो फोन किस लिए यूज होगा भाई, आवाज आएगी ना, फोन से आवाज आती है ना, जब हाइड्रोफोन की बात हुई है तो पानी आवाज, पानी आवाज, इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हो, तो आई थिंक सो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, हाइड्रो आपको समझ में आएगा, हाइड्रो पानी की बात करें और जब फोन की बात होती है तो कहीं ना कहीं साउंड की बात होती है, तो हाइड्रो और फोन आप पानी में साउंड की बात करें तो वो आप यूज कर सकते हो। चलिए ये भी आजकल बहुत यूज हो रहा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं थोड़ी सी बात पे आप लोगों को गुस्सा आ जाता है, और जब गुस्सा आता है तो किसी का जो हम कहते हैं ना यार ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आजकल हर बंदा जो है वो गुस्से में होता है और ब्लड प्रेशर डाउन अप डाउन का चलता रहता है, तो ये जो यंत्र आप देख रहे हो, ये जो डिवाइस इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है, इसका नाम बेसिकली आप देखो इसका अगर हिंदी में इसका नाम याद कर लो ना तो ऑटोमेटिकली जो है इसकी डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी, क्योंकि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रक्त दाब मापी, ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हो, तो रक्तचाप को मापने के लिए ये उपकरण बेसिकली यूज होता है टू मेजरिंग द ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर आपने याद रखना है बिल्कुल ब्रिजेश पटेल जी, क्लियर हो चुका है। चलिए अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है, तो हाइड्रो और हाइग्रो को कंफर्म कर ले, दूसरा वैसे ही कंफर्म हो जाएगा बिल्कुल, हाइड्रो दो है बेसिकली, दोनों याद रखने हैं आपने, हाइग्रो एक ही है, ठीक है ना, तो हाइड्रो एक है, हाइड्रो दो है, वहां से आप कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं, इट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल एसएससी को लेकर गुस्सा है इसीलिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है ऋचा जी, तो उसको कंट्रोल रखें, इस मशीन से आप चेक कर सकते हो, ये ध्यान रखना है कि ये आप खरीद कर रख लीजिए, हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो आप चेक कर सकते हो यहां से। आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड मूव करने कहते हैं हम टेक्निकल टीम, जरा दिखाया जाए प्लीज, बिल्कुल।
तो भैया अगर ये ना हो तो समझो बातें ही नहीं होगी ना, हम आप बातें नहीं करेंगे ना। तो रडार जो बेसिकली क्या है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करना। कोई भी देखो रेडियो फ्रिक्वेंसी की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं रेडियो और रडार ये दोनों एक जैसे लग जाते हैं, ठीक है ना, रेडियो और रडार। तो रेडियो से रडार आप याद, रडार बेसिकली हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, देखो ऊंचा होता है ना रडार, हम बार बार कुछ कहते हैं ना, कभी गुस्सा आता है कि यार ये बंदा ना रडार पे चढ़ गया, तो वो ऊंचा, अब कहते हैं क्यों चढ़ रहा है भाई, क्योंकि वहां से कुछ ना कुछ तरंगे कैच करने की कोशिश कर रहा है। तो आप डायरेक्टली बेसिकली ये किस लिए यूज है, टू डिटेक्टिंग द डायरेक्शन एंड रेंज, डायरेक्शन एंड रेंज के लिए बेसिकली, और रेडियो माइक्रोवेव्स के लिए रडार का यूज होता है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। बिल्कुल रिचा जी के पास ये है डिवाइस, चलिए सो मच, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रडार का हमने बता दिया है, हाँ ये डिवाइस देखिए एम्पियर की जब हम बात करते हैं, भाई अभी हम फिजिक्स में आ जाते हैं तुरंत अपने वापस, तो फिजिक्स में बेसिकली क्या कहते हैं, ये डिवाइस क्या करता है, एम्पियर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसको मेजर करने का काम हमारा कौन सा डिवाइस करता है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इलेक्ट्रिक धाराओं को मापने के लिए जो उपकरण यूज होता है उसका नाम है एम्पियर। तो ये आपने याद रखना है, एम्पियर, एम्पियर, ठीक है, ध्यान रखना है क्योंकि एम्पियर में ही नापी जाती है। तो आपने याद रखना है रेडियो एंड डीआर, डॉक्टर डीआर आई थिंक सो डोर, आप पता नहीं समझ नहीं पा रहे क्या बोल रहे हो। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। एम्पियर हमारा मैंने आपको बोला अभी मैक्सिमम, देखो वोल्ट मीटर एम्पियर ये सब इलेक्ट्रिक के लिए ही यूज होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मैंने बताया कि जो एम्पियर है उसका ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भाई बैरोमीटर की, वायु दाब मापी। तो वायु दाब मापी देखो यहां पर उपकरण के नाम से ही हमें साफ साफ पता लग रहा है कि क्या है, ठीक है ना। जब हम बात कर रहे हैं वायु दाब मापी की, तो वायु का नाम आया ऊपर से दाब आया, तो वायु अब एटमोस्फेरिक जो प्रेशर होता है, ठीक है ना, उसको मेजर करने के लिए तो इसका यूज है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए इस उपकरण का यूज किया जाता है। मैंने एक चीज देखी है दोस्तों, कहीं ना कहीं जब बात आती है हिंदी और इंग्लिश की, तो हिंदी में जो इनके नाम है ना, जितने भी इंस्ट्रूमेंट मैं आपको बता रहा हूं, वो खुद अपने आप में ही डेफिनेशन है। अगर आप ज्यादा भी ना करो, इन डिवाइसेस के हिंदी में नाम ही याद रख लो, सिर्फ नाम, डेफिनेशन इंग्लिश अपने आप बना लोगे आप, क्योंकि इनका जो नाम है ना वो खुद ही बता देता है कि मैं क्या हूं। देख खुद ही बता रहा है वायु दाब मापी, तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए, क्योंकि देखो वायु भी आ गया और दाब भी आ गया, और उसको मापने के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है उसको कहते हैं हम बैरोमीटर, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही मनोज जी, चलिए वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो टेक्निकल टीम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए प्लीज। बिल्कुल दाब मापी, ये देखिए गैसों के दबाव के लिए बेसिकली इस उपकरण का यूज होता है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ गैसेस। तो गैस जो है उसके उसके प्रेशर को चेक करने के लिए, गैसों का दबाव जो है, देखो ये अगर हिंदी में इसका नाम देखो तो वो खुद ही बोल रहा है दाब मापी, तो दाब मापी दबाव को चेक करने के लिए ही इसका कहीं ना कहीं यूज होगा। तो गैसों के, ये ध्यान रखना है यहाँ पे गैसेस, जो गैसेस हैं उनके प्रेशर को चेक करने के लिए किसका यूज होता है, मैनोमीटर का यूज होता है। तो ये भी आपने याद रखना है। बिल्कुल ब्रजेश पटेल जी, गैसों पे दबाव के लिए जो है, मैं इसलिए देखो जो चीज है, बिल्कुल विपिन जी मैं दोनों चीजें बता रहा हूं, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो गैसेस के ऊपर जो प्रेशर, प्रेशर जो है ना गैसेस का, उस चीज को चेक करने के लिए किसका यूज होता है, मैनोमीटर, गैसों के दबाव पर मापने के लिए जिस उपकरण का यूज होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो पंजाबी विच भी दसेंगे, मृंदन जी इतनी मेरी अच्छी पंजाबी नहीं है, तो आप हिंदी और अभी इंग्लिश में रहे तो बेटर है, ठीक है। कुमार संभव जी अच्छी पंजाबी बोलते हैं, कुमार सर आपको पंजाबी में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखो यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है भाई, जब हम बात करते हैं स्पीडोमीटर की, और एक और आएगा अभी, ठीक है, मैं वो भी आपको बताऊंगा, जैसे मैं बताऊंगा इन दोनों में आपको डिफरेंस बताऊंगा कि स्पीडोमीटर बेसिकली क्या है। स्पीडोमीटर क्या है, स्पीड एट विच अ व्हीकल इज मूविंग, मतलब कितनी स्पीड पे आपका जो व्हीकल है वो मूव कर रहा है। एन इंस्ट्रूमेंट विच क्या कर रहा है, स्पीड एट विच अ व्हीकल इज मूविंग, हिंदी में बात करें तो एक उपकरण जो गति को इंगित करता है, मतलब आप कितनी गति से चल रहे हो। कुछ लोग
बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, मैं पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वो गाड़ी तेज ना चलाएं। हमारे टेक्निकल टीम से भी है कुछ लोग जो गाड़ी तेज चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वो गाड़ी तेज बिल्कुल ना चलाएं, ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान आपको चुकाना पड़ता है उस चीज का। तो चलिए, स्पीडोमीटर की बात हो गई, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ जी बिल्कुल ऋचा जी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये डिवाइस जो है वो क्या काम करता है, ये पूछ लेता, उल्टा भी पूछ लेता है आपको, वो डेफिनेशन दे देगा और बोलेगा कि ये चीज किस डिवाइस के थ्रू होती है, तो ये दोनों क्रॉस क्वेश्चन बन जाते हैं। नहीं, 150 किलोमीटर नहीं चलाना चाहिए विकास जी, आप ध्यान रखिए, बिल्कुल गलत है, इतना नहीं चलाना चाहिए। अब ये ओडोमीटर, देखो ओडोमीटर और स्पीडोमीटर, इन दोनों में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि स्पीडोमीटर क्या काम करता है और ओडोमीटर क्या काम करता है। तो भैया ओडोमीटर से साफ साफ पता लगा, स्पीडो स्पीड की बात की है, स्पीडोमीटर की बात जब करते हैं तो स्पीड की बात होती है, और स्पीड का मतलब क्या है, स्पीड से बात आती है कि आप कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, तो स्पीडोमीटर से कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन जो ओडोमीटर है वो आपको बताता है कि कितनी दूर तक आपने गाड़ी चलाई, दोनों डिफरेंस आप देखिए, मैंने डिफरेंस दोनों में ही लिखा है, ठीक है? स्पीडोमीटर डिफाइंस द स्पीड एट विच वन इज ट्रेवलिंग, और ओडोमीटर क्या है, द अदर काउंट्स माइल्स ट्रेवल्ड, मतलब कितने आपने ट्रेवल किए हैं, कितने किलोमीटर आप गए हो, तो वो हमारा आता है ओडोमीटर में, ठीक है? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल, अब देखिए वर्षा बारिश रेन गेज की बात हम करते हैं, तो बारिश नापने वाला यंत्र, ठीक है ना? तो ये भी जब रेन की बात हो गई, देखो रेन से ही साफ साफ पता लग रहा है कि ये वर्षा की बात कर रहा है, बारिश की बात कर रहा है, तो बारिश भाई देखो ना, एक विशेष स्थान पर बारिश रिकॉर्ड करने के लिए एक उपकरण, ठीक है? तो एक ऐसा उपकरण जो रिकॉर्ड कर रहा है, बारिश रिकॉर्ड कहते हैं ना यार, कितनी बारिश हुई है, तो वो चीजें जो है वो यहां पर कहीं ना कहीं यूज की जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये साफ साफ आपको नाम से ही पता लग रहा है यार, देखो कुछ लोग जो है ना रटने पर लग जाते हैं इनको कि रट ले, पर मैं कहता हूं नाम 90% नाम से ही डेफिनेशन निकल जाती है अगर हम उस नाम को ही ध्यान से देख लें। तो टेक्निकल टीम, जहां हमें नेक्स्ट स्लाइड दिखाई जाए प्लीज। बिल्कुल, रेडियोमीटर की जब हम बात करते हैं, तो रेडियोमीटर की जब हम बात करते हैं, देखो यहां पर भी साफ पता लगता है रेडियोमीटर क्या काम करेगा, ठीक है? एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, उज्ज्वल ऊर्जा के उत्सर्जन को मापने के लिए जिस उपकरण का यूज होता है उसको क्या कहते हैं, रेडियोमीटर। देखो रेडिएंट एनर्जी की बात हुई है, रेडी, अब रेडी की बात आई है, तो रेडी हिंदी में भी तो नाम वही आ रहा है ना, रेडियोमीटर, तो रेडी और रेडियोमीटर, तो रेडिएंट एनर्जी और रेडियोमीटर, ये दोनों के दोनों लिंकअप होते हैं, तो आप आराम से आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है? अब बात जब जेनिफर जी, जो हमारा क्लास होगा आदित्य जी सीपीटी का, वो कल होगा, वो आप कल देखना, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं प्लीज। बिल्कुल, पायरोमीटर की जब हम बात करते हैं उच्च तापमान को, देखो ये पायरोमीटर जो है ना, ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जो आपको मैंने फिगर दिखाई है वो बेसिकली क्या है हमारे पास, वो पोर्टेबल है, ठीक है? डिजिटली है, आपको दिख रहा है 350 लिखा हुआ है ना, अलग अलग टाइप के ये आते हैं। अब ये जो डिवाइस है ये पोर्टेबल, अभी आजकल पोर्टेबल आ रहे हैं, पोर्टेबल हैंडहेल्ड डिवाइस, इसको आप एक और नाम भी दे सकते हो, हैंड हेल्ड डिवाइस। तो उच्च तापमान को मापने के लिए एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर को जो है वो मापने के लिए किसका यूज होता है, पायरोमीटर का यूज होता है, तो ये हैंड हेल्ड डिवाइस भी कहलाता है। अगर वो पूछ ले हैंड हेल्ड डिवाइस, तो आप बता सकते हो, हैंड हेल्ड डिवाइस का मतलब होता है जिसको आप हाथ में लेके इजली कहीं भी घूम सकते हो, तो वो हमारा हैंड हेल्ड डिवाइस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल, और देखो लेक्टोमीटर की जब हम बात करते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजरिंग, जब हम बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं, लेक्टोमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क, तो दूध की जो बेसिकली हम दूध के लिए इसका यूज करते हैं, तो लेक्टोमीटर की जब आप बात करते हैं, देखो मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क, अब जब मिल्क की बात आई है, दूध की बात आई है, तो दूध के सापेक्ष घनत्व को नापने के लिए इसका यूज होता है। आपने जनरली अपने दूध वाले के पास इस डिवाइस को देखा होगा, तो वहां आप ये देख पाओगे, आप देखना ध्यान से, कई बार आपने देखा भी होगा जब लेक्टोमीटर की बात हुई है, तो डेंसिटी नापनी है किसकी, वो भी मिल्क की, ठीक है? तो सापेक्ष घनत्व को नापने के लिए किस साधन का यूज होता है, लेक्टोमीटर का यूज होता है, तो बिल्कुल वो चीज ध्यान रखें आप, ठीक है?
चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। और लोकल मार्केट में आप इंद्रेश बाइक ना चलाएं बिल्कुल भी, स्पीडोमीटर लगाया रियल लाइफ में। चलिए काफी लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलिए मिल्क डेंसिटी वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड दिखाई जाए बिल्कुल। चलिए अब देखिए अगर हम बात करें, मैंने आपको जो आज डिवाइसेस बताए अभी जितने भी डिवाइसेस थे ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस थे वो मैंने आपको बताए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अभी जो होगी वो कुमार संभव सर की होगी, तो उसके लिए आप बने रहे हमारे साथ। और कल जो जितने बच्चे अभी आज पूछ रहे थे मुझसे कि सीपीटी का क्लास आज नहीं है, तो वो क्लास सर कल होगा, कल 4 बजे सीपीटी के क्लास के लिए मिले, और वहां पर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में। आप बने रहें। आज के लिए सबको अलविदा बोलते हैं, थैंक यू सो मच।